ओम शांति। एक विजन हम सभी को बनाना है कि सामने बाबा खड़े हैं और कह रहे हैं, बच्चे तुम्हारा जन्म महान कर्तव्यों के लिए ही हुआ है। तुम साधारण नहीं हो, तुमने इस धरा पर अवतार लिया है महान कार्यों के लिए, संसार की सभी आत्माओं के दुख हरने के लिए, उन्हें पुनः पावन बनाने के लिए। तो हमें याद रखना है कि हम भी बाबा के साथ इस धरा पर अवतरित हुए हैं। हमारे कर्तव्य ही महान हैं, हमें साधारण कर्म नहीं करने हैं और न छोटी छोटी बातों के प्रभाव में आकर अपनी स्थिति को बिगाड़ना है, क्योंकि महान कार्य वही कर सकेंगे जिनकी स्थिति महान होगी और जिन्होंने छोटी बातों में अनमोल समय बिता दिया है, जो तेरे मेरे में जीवन की दिव्यता को समाप्त कर चुके हैं, जो केवल मान शान की कामना को लेकर चलते रहे, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो केवल देखने वाले रह जाएंगे। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन को योग युक्त बनाया, जो पवित्रता की सर्वोच्च स्थिति पर पहुंच गए, जिनका चित्त सभी के लिए शुभ भावनाओं से भर गया और जिन्होंने ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन करके परमात्म दुआएं प्राप्त की, वो महान स्थिति को प्राप्त करके संसार के काम आएंगे। आज तक हम अपनों के काम आए, अपने परिवार के काम आए, लेकिन अब समय है हम संसार के काम आ जाएं। हम में से बहुत आत्माएं भगवान के भी काम आ गई, कितना बड़ा भाग्य है। और अब अंतिम चैलेंज होगा हम संसार के काम आ जाएं। संसार की अनेक आत्माएं, अनेक माना करोड़ों करोड़ों आत्माएं प्यासी नजरों से हमारी ओर निहारेंगी, हमारे द्वार पर आएंगी, शांति की प्यास लेकर आएंगी, कहेंगी हमारे सिर पर हाथ रख दो, कहेंगे हमें दृष्टि दे दो, हमारे घर में अपने चरण रख दो, हमारे विघ्न नष्ट हो जाएं, हमारे दुख मिट जाएं, हमारा चित्त शांत हो जाए, हमारे रोग समाप्त हो जाएं। और जिन्होंने सर्वेश्वरीय खजाने प्राप्त किए हैं, जमा किए हैं, वही संसार को देंगे, वही द्वार पर आई हुई आत्माओं को तृप्त करके भेजेंगे। तो याद रखेंगे आज सारा दिन, मेरा जन्म ही महान कर्तव्यों के लिए हुआ है। और ये याद करते ही फील करेंगे कि मुझसे चारों ओर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, मैं ऊपर हूँ, फरिश्ता हूँ। बहुत अच्छी आज ये प्रैक्टिस करेंगे। पहले तो सारा दिन कर्म करते हुए बार बार अभ्यास करेंगे, मैं फरिश्ता हूँ, और अपने फरिश्ते स्वरूप को देखेंगे। जैसे जब पानी पिएंगे 3 बार याद करेंगे, जब भोजन खाएंगे 10 बार याद करेंगे, जब गाड़ी चलाएंगे कोई भी तो उससे पहले 5 बार याद कर लेंगे, फ्री टाइम होगा बार बार याद करेंगे, योग में बैठेंगे उससे पहले भी 5 बार इस स्वरूप को याद करके इस स्वरूप को विजुअलाइज करेंगे, अपना स्वरूप देखेंगे, तो शाम तक ही बहुत सुंदर अनुभव हो जाएंगे। और मुझ फरिश्ते से, जो मैं ऊपर हूँ नीचे नहीं, बाबा मेरी छत्र छाया है, हम दोनों ही कंबाइंड हैं, और मुझसे लगातार चारों ओर किरणें फैल रही हैं। सब जानते हैं कि संसार की ये महान सेवा वही करेंगे जिन्होंने स्वयं को व्यर्थ से मुक्त किया होगा। तो आइए हम अपनी स्थिति को महान बनाएं और आने वाले महान कर्तव्यों के लिए स्वयं को तैयार करें। सारा संसार ऐसी आत्माओं के समक्ष नतमस्तक होगा और बलिहार हो जाएगा अपने सर्वस्व सहित
तो सोच लें, क्या हम इस महान कार्य के लिए तैयार हैं? सारा दिन ये स्मृति रहने से हमारी स्थिति स्वतः ही श्रेष्ठ रहेगी। ओम शांति।